हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केजे डिजिटल चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन भिंडी की सब्जी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं 4 चम्मच बेसन का आटा डालूंगी। मैं 4 लोगों के लिए सब्जी बना रही हूँ, इसलिए मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ। आप जितने लोगों के लिए बना रहे हो उस हिसाब से आटा ले। तो बेसन के आटे को हमें सेकना है और जब तक इसमें सुनहरा रंग ना आ जाए तब तक हमें इसे ऐसे ही सेकते रहना है। तो आप देख सकते हैं कि इस आटे में हल्का सुनहरा रंग आ गया है। तो अब हम इस आटे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हमें इसमें डालना है मूंगफली का पाउडर। ये मैंने 2 चम्मच डाला है, इसे टेस्ट बहुत अच्छा और थोड़ा सा डिफरेंट आता है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, वो आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हो। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, वो आप थोड़ा सा चाहे तो थोड़ा कम डाल सकते हो, लेकिन डालें जरूर। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसे स्किप ना करें, ये जरूर डालें। फिर हम सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें हमें 1 से 2 चम्मच जितना ऑयल डालना है। और फिर हमने जो सबसे पहले बेसन का आटा लिया था वो हमें इसमें धीरे धीरे से करके सारा आटा इसमें डाल देना है और फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कि आटे का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हमें इसमें ऊपर से 1 चम्मच जितना ऑयल डालना है और इसे अच्छे से फिर से हमें मिक्स कर लेना है। तो अब मसाला बनकर एकदम रेडी हो चुका है और अब हम इस मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम जितनी भिंडी ली है और भिंडी को मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है। और फिर हमें इसका ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन जो है वो कट कर लेना है और भिंडी को हमें हल्के हाथों से कट करना है। और फिर ये जो मसाला हमने बनाया है वो हमें इसमें डालना है हल्के हाथों से और धीरे धीरे से ही हमें इसमें डालना है। और मसाला मैं तो कहती हूँ कि ज़्यादा डालें तो भिंडी का टेस्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जब भिंडी में मसाला डालें तब इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन में मसाला थोड़ा ज़्यादा भरे, ताकि हम जब भिंडी को फ्राई करें तब इसमें से मसाला बाहर ना निकले और निकले तो थोड़ा सा ही निकले, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और आप देख सकते हैं कि मैंने भिंडी को अच्छी तरह से अंदर मसाला डाल दिया है। आप इसी तरह से सारे भिंडी में मसाला डाल दें तो आप देख सकते हैं कि मैंने मसाला सारे भिंडियों में अच्छे से भर लिया है। अब हम भिंडी को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच जितना ऑयल डाला है। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें एक पेस्ट डालेंगे, वो पेस्ट है अदरक और लहसुन की। फिर हमें इसमें डालना है 1/2 चम्मच जितना जीरा और फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, जहाँ पे मैंने एक ही हरी मिर्च का यूज़ किया है। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर में भी मैंने एक ही टमाटर यूज़ किया है। तो अब हमें इन सारी सब्जियों को अच्छे से पका लेना है। तो सारी सब्जियां अच्छे से पक गई है तो अब हम इसमें डालेंगे भिंडी। हमें धीरे धीरे से और एक एक करके सारी भिंडियां इसमें डाल देनी है। तो आप देख सकते हैं कि सारी भिंडियां मैंने इसमें डाल दी है और इसे हमें हल्के हाथों से ही इसे मिक्स करना है, क्योंकि भिंडी की जो अंदर मसाला है वो बाहर ना निकल जाए। तो अब हम इस भिंडी के ऊपर एक डिश रख देंगे और डिश के अंदर हमें 1 गिलास जितना पानी डालना है, ताकि हमारी भिंडी है वो अच्छे से पक जाए। फिर जब 5 मिनट हो जाए तब हम इस डिश को निकाल लेंगे और फिर हम भिंडी के अंदर थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, फिर 1 चम्मच नमक, नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इसमें मैंने 1/2 चम्मच ही हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। फिर हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, नींबू का रस जो होता है इससे सब्ज़ी में खट्टापन आता है और सब्ज़ी और भी टेस्टी लगती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले डालने के बाद हम डिश को फिर से वैसा ही रख देंगे और फिर 5 मिनट के बाद ये डिश हमें वापस ले लेनी है। तो 5 मिनट हो चुकी है, यह डिश हम ले लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँगी कि भिंडी है वो अच्छे से पक गई है कि नहीं। तो भिंडी अच्छे से हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी कोरिएंडर यानी कि धनिया। ये मैं धनिया डाल दूँगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। धनिया डालने के बाद हम इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हम सब्जी को एक सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। तो ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है और देखने में भी बहुत ही अच्छी है और इसका टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो को एंड तक देखें और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप नए हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सके। और मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ तो मेरे वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।